हाय गाइस, तुमसे हो गया है बेबस है खफा, दिल भी वसीमत हुआ है, कैसे कहें हम तुम माफ कर दो, दिल कश्मकश में पड़ा है। तुमसे हो गया है बेबस है खफा, दिल भी वसीमत हुआ है, कैसे कहें हम तुम माफ कर दो, दिल कश्मकश में पड़ा है। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। हमसे सुनो इश्क की दास्ता, दो दिल है हम मगर एक जान, चलता रहे प्यार का कारवां, यूं ही चलता रहे प्यार का कारवां। टुनुडुम टुम टुनुडुम टुनुडुम टुम 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 टुम। गाइस, ये जो चीज थी थोड़ा सा जोधा अकबर का टोन था। तो गाइस, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझको बोला था कि आप थोड़ा सा ये जो संगीत है आपके मुंह से मुझको बहुत अच्छी लगती है। अब गाइस, तो मैंने आपको ये सुना दिया ताकि उन्होंने मुझको बोला था। तो गाइस, आइए हम देखते हैं जो हमारी टॉपिक है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। गाइस, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि जैसे कि आपका इट्स एम आर के बारे में है। तो गाइस देखिए, इंग्लिश को हम इंजॉय करेंगे तो ही हमको इंग्लिश समझ में आएगी। तो गाइस, हम देखते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए जैसे कि हमको सबसे पहले जो सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है गाइस, जो कि मैं आपको आज से स्टार्ट कर रहा हूं। तो गाइस, जैसे ये आप देख लीजिए कि इज होता है, एम होता है और आर होता है। जैसे मान लीजिए कि दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, यानी कि रोज हम क्या करते हैं कि मैंने खाया, ठीक है। जैसे आई ईट, आई ड्रिंक, मतलब। तो गाइस, इसको जैसे कहा जाता है कि ये जो चीज है जैसे कि हम दैनिक जीवन में गाइस हम यूज किया करते हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि मतलब हम दैनिक जीवन में ही कुछ भी यूज किया करते हैं। जैसे कि गाइस, हम हमेशा कोई कार्य होता है तो उसके बारे में भी बात किया करते हैं, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने गाया, आई सिंग, आई ईट। तो गाइस, ये आपका जो है यानी कि ये सब्जेक्ट जो क्या है, यानी कि मान लीजिए यहां पे जैसे लिख दिया कि आई, यानी कि आई सिंग मैंने गाया। तो गाइस, ये देखिए आपका ये आई जो है सब्जेक्ट है, ये आपका काम है, यानी कि ये आप हैं, ये आपका वर्क है। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपने ही बारे में या किसी काम के ही बारे में दिन भर बात किया करते हैं। गाइस, ऐसा भी तो होता है कि मतलब हम दूसरे को भी इंडिकेट करते हैं, चाहे उसकी क्वालिटी हो, यानी कि चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, तो हम उसके बारे में भी तो बात करते हैं। तो गाइस देखिए, आज हम किसका यूज पढ़ेंगे, इज का, एम का और आर का। तो गाइस, इज एम आर का हम आज यूज पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, जैसे कि हमारी जो मान लीजिए कि एक नॉर्मल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हम दिन भर अपने काम के विषय में ही बात नहीं किया करते। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपकी पड़ोसन वाली आंटी, तो कहती है, हाँ बहन, ये जो है ये बहुत ही शरारती है, हाय हाय, मतलब बोलती है ना कि हाय हाय, ये वो बहुत शरारती है, यानी कि उसके बारे में क्या, उसकी क्या क्वालिटी है, वो शरारती है। तो गाइस देखिए, दूसरों के बारे में भी बात होती है, उसको इंडिकेशन में हम क्या कह सकते हैं, उसके इंडिकेशन में जैसे वो बहुत शरारती है, जैसे ही इज वेरी
नॉटी, राइट? ही इज वेरी नॉटी, हाय हाय वो बहुत शरारती है। अब जैसे गाइस देखिए फोन आ गया, जैसे कि आज जाने का मन नहीं है हमको ऑफिस, तो मैंने अपने बॉस से सीधे प्राइवेट जो जॉब करते हैं उन्होंने बोल दिया कि हाँ सर मतलब आज मैं बीमार हूं, तो आज मैं बीमार हूं तो उन्होंने सीधे बोल दिया, अपना प्रिटेंड कर लेते हैं आज मैं बीमार हूं, तो उन्होंने क्या बोल दिया, आई एम सिक। कब? टुडे। आई एम सिक टुडे। तो गाइस ये जो आपका प्रिटेंड है, ठीक है, तो गाइस ये सवाल देख लीजिए कि जैसे दूसरों के बारे में भी तो बात होती है, चाहे उसकी क्वालिटी हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो। अब गाइस देख लीजिए, मेरा भाई डॉक्टर है, यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो यह क्या बोल दिया कि माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई क्या है, डॉक्टर है। तो गाइस ये सब जो आपका है इज एम आर, ये गाइस देखिए आपका सबसे बेसिक चरण, ये आप सब एक पहली सीढ़ी है एक तरीके से आपको इंग्लिश बोलने के लिए। तो गाइस इसका आप थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा अपने घर में, आपको कोई नहीं मिलता है तो आप अपने कैमरे में बैठ के अपने दीवार से भी ये बात बोल सकते हैं, आप गलत ही बोलिए पर बोलिए, तो आपके गाइस ये सब जो बात है आपकी समझ में आ जाएगी। तो गाइस जैसे देख लीजिए, अब आपकी जैसी कोई गर्लफ्रेंड ही है, वो मतलब अपने सहेली को अगर अपना फोटो मतलब आपका फोटो दिखाती है तो कहती है कि फ्रेंड ये देख, मतलब आपको दिखाती है, कहती है कि ये देख क्यूट है ना। तो गाइस ये जो चीज है ये आपका इसमें ये सब क्या लगेगा, इज एम आर। मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट की क्वालिटी के बारे में, उसकी बुराई के बारे में, तो जो भी बताया जाता है उसमें हम इज एम आर का यूज भी कर सकते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे कि गाइस देखिए हम इसको आपको एक ही सिस्टम में हम सब समझा देते हैं कि देखिए गाइस जैसे सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, मोहन हो, सोहन हो, सीता मीता, सीता गीता मीरा जो भी हो, तो गाइस ये जो चीजें हैं जैसे कि मान ली सब्जेक्ट ही सी इट यू वी दे, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर जो भी आएगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, एनी नाम हो। तो गाइस अब देखिए यहां पे उसके बाद से हम इच एम आर इसमें से किसी का यूज करेंगे, उसके बाद से प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद से ईटीसी यानी जो भी अदर वर्ड आया रहेगा हम उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो गाइस देखिए हम इस का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर नंबर हो। तो गाइस इसका हम यूज कब करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, यानी कि क्या हो, ही सी इट, ही सी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इच का, ठीक है। गाइस इसमें एम का यूज कब किया जाता है, यानी कि एम, एम का यूज हमको कब करना है, जब यहां पे आई हो, आई के साथ ही गाइस हम प्रेजेंट में आई के साथ एम एम का यूज कर लेंगे। और आर का यूज गाइस कब किया जाएगा, ये आप समझ लीजिए, आर का यूज हमको कब करना है, यू वी दे, यू वी दे के साथ गाइस हमको आर का यूज कर लेना है, यानी कि यू वी दे, उसके बाद से यानी कि एक से अगर दो लोग हो जाएं तो उसके साथ भी हम आर का यूज कर सकते हैं, जैसे मोहन एंड सोहन आर, जैसे उसके बाद से जैसे मोहन एंड यानी एक से गाइस दो, जो भी दो हुए उसके बाद से हम आपको आर का यूज, यानी कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो जाता है। तो गाइस देखिए हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरी कलम है, यानी मैं एक इंडिकेट करता हूं कि ये मेरी पेन है, यानी हमने बोल दिया क्या, इंडिकेट मैं कर रहा हूं, दिस इज माय पेन। ओके गाइस ये आपका देखिए सिंपल सिंपल अर्थों में हम इज एम आर का गाइस यूज करते हैं। अब देखिए गाइस दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हम देख लेते हैं कि क्या है, वो बहुत अच्छा लड़का है, क्या है, वो बहुत अच्छा लड़का है, ही इज वेरी गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉप, कोई पर्टिकुलर लड़की हो, अगर वो बहुत सुंदर हो, बहुत अगर लड़की सुंदर है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब देखिए मान लीजिए जैसे मैंने बोल दिया कि मीरा, मीरा बहुत सुंदर लड़की है, मीरा
इज वेरी ब्यूटिफुल, मीरा इज वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। तो गाइस देखिए, इसमें नॉर्मल नॉर्मल वे में हम इज एम आर का यूज कैसे करते हैं ये आपको मैंने बताया। तो गाइस देखिए, आप ज्यादा से ज्यादा इसके एग्जांपल पे ध्यान दीजिए तो गाइस आपके बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आइए चौथे एग्जांपल की हम बात करते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने कि आज संडे है, आज संडे है, टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, आज संडे है, ओके फिर आज संडे तो नहीं है बट हमने एक बार मान लिया तो यहां पे मैंने लगा लिया क्या, टुडे इज संडे, ठीक है, ओके गाइस। आप देखिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि मैं अध्यापक हूं तो मैंने क्या बोल दिया, मैं अध्यापक हूं यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो यानी कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। तो गाइस देखिए, ये आपका सिंपल सिंपल शब्दों में आपको इज एम आर का यूज करना है, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। आप नॉर्मल में भी बोलने के शब्दों में, जैसे कि मान लीजिए गाइस मैंने आपको थोड़ा सा जोक में भी आपको कोई चीज बताई तो आप उसको अच्छे ढंग से पॉजिटिव वे में उसको ले जाके थोड़ा सा सोचिएगा बोलिएगा, आपको कोई नहीं मिलता है तो अपना बंद कमरे में भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस आई होप वो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और जो ना समझ में आए आपको कमेंट में बताइएगा। तो गाइस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।